नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, आज की खबर है अब तक 56 की स्टोरी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक 56 तो नाना पाटेकर की फिल्म थी, मूवी थी, उसकी स्टोरी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। तो मैं आपको नाना पाटेकर की मूवी की स्टोरी नहीं सुना रहा हूं, निश्चिंत रहिए। मैं यहां सुना रहा हूं शातिर चोर द्वारा 56 चोरी किए गए स्टोरी। बोरीवली पुलिस ने एक ऐसे चोर को पकड़ा है जो मास्टर है चोरी करने में, जिसने 56 चोरी अंजाम दे चुका है अब तक। गुजरात के अहमदाबाद, गांधीनगर और मुंबई के कई क्षेत्रों में उस पर कई मामले दर्ज है। गुजरात में तो 35 बार वो जेल भी जा चुका है, लेकिन हर बार जेल से निकलने के बाद में फिर चोरी। गुजरात का वो रिहासी है आरोपी, जिसका नाम अजीत अर्जुन पिल्ले बताया गया है। उम्र 36 साल है। 36 साल में ये इंसान 35 बार जेल जा चुका है। हर बार चोरी करता है, जेल जाता है, फिर बाहर आता है, फिर चोरी करता है। और गुजरात से महाराष्ट्र में आकर मुंबई में, मुंबई के उपनगरों में चोरी करता है। तब चोरी कर गए, हर गुरुवार की रात को ये मुंबई आता है, चोरी करता है, एक साथ 6 दुकानों को टारगेट करता है और फिर प्राइवेट व्हीकल करके गुजरात चला जाता है। लेकिन इस बार ये चोर बोरीवली पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस शातिर चोर को, और स्क्रीन पर आप इसके चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज को भी देख सकते हैं। बोरीवली क्राइम पीआई ने जो मीडिया को जानकारी दी, उसमें से इसके पास से चोरी के जो औजार है, जिन औजार के से चोरी करता था, वो बरामद किए गए हैं। अभी पिछली बार इसने एक कपड़े की दुकान को निशाना बनाया था, वहां से कपड़े और पैसे चोरी किए थे। उसी सिलसिले में पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और पुलिस ने इसको पकड़ लिया है। ऐसा भी पुलिस ने जानकारी में बताया है कि ये चोर गुजरात के आने के समय में मुंबई में आकर अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पर डाल देता ताकि अपनी लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। सबसे बड़ी बात इस चोर के चोरी की जो है, सबसे बड़ी चीज यह है कि ये चोर एमएससी किया हुआ है। स्टैटिक्स विभाग में मास्टर की डिग्री इस चोर के पास है। अब हम ये कह सकते हैं कि इसके कारनामों के बाद इसके पास चोरी की मास्टर की डिग्री है। बड़े ही शातिर अंदाज से चोरी करता था और हर बार कम से कम महाराष्ट्र से निकल जाता था, लेकिन इस बार मुंबई पुलिस के हाथों चढ़ा है। अब देखते हैं कि मुंबई पुलिस किस तरह से इसकी खातिरदारी करती है। तो देखिए इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी, वीडियो में आ गया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। बोरीवली पुलिस थाने के डिटेक्शन ऑफिसर है इंद्रजीत पाटिल और उनका जो स्टाफ है, ये 18 तारीख को, अगस्त महीने के 18 तारीख को पुलिस थाने की हद में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तो उन्हें गुप्त बातमीदार की तरफ से ऐसी मालूमत मिली कि एक आरोपी है कि जो घरफोड़ी जैसे गुन्ने में माहिर है, वो बोरीवली के इलाके में आने वाला है। तो मेरे इस अधिकारी इंद्रजीत पाटिल और उनके स्टाफ है, हवालदार है बहिराम शेख, फरडे, गोसावी और बोए, इन्होंने ट्रैप लगाया। ट्रैप लगाने के बाद उन्हें एक 35 से 38 उम्र के बीच में का एक सस्पेक्टेड एक एक्टिवा मोटरसाइकिल से पंजाबी लेन में घूम रहा था। हमारी इस टीम ने उसकी रेकी की और उसका जो बर्ताव था, उसका जो चाल चरण था,
वो इन्हें सही नहीं लगा तो इन्होंने उसे उसको ताबे में लिया। ताबे में लेने के बाद वहाँ पे प्राइमरी इंक्वायरी की तो पता चला कि ये कोई बड़ा शागिर्द गुनहगार है, पुलिस को बराबर मालूम नहीं दे रहा था तो उसे इंक्वायरी के लिए पुलिस में लाया गया। पुलिस में लाने के बाद कौशल्यपूर्ण इंक्वायरी की और इंक्वायरी में जो बात पता चली हमें तो हम भी सब चौंक गए एकदम। ये जो आरोपी है इसका नाम है अजीत अर्जुन पिल्लई, इसका उम्र है 36 ईयर्स, ये अहमदाबाद का रहने वाला है, गुजरात का रहने वाला है। इसका मोडस ऑपरेंडी ये है कि ये गुजरात से कौन सी भी ट्रेन से या लग्जरी से मुंबई आता है। नॉर्मली मुंबई आने के बाद वो लग्जरी से आया तो घोड़बंदर में उतरता है, वहाँ आने के बाद वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है और वो बोरवली, गोरेगांव, मालाड़, कांदोली इस एरिया में घूमते रहता है। दिन भर घूमने के बाद ये नॉर्मली कपड़े की दुकान है, चश्मे की दुकान है, ऐसी दुकानों की रेखी करता है और इस दुकान में रात को घुस के या दुकान बंद होते ही अंदर जाके उसके हाथ में जो भी चीज़ लगती है वो लेता है। लेकिन इसका एक खासियत है कि ये खाली दुकान में कैश मिलेगी बड़ी पैमाने से तो ये कैश लेके भाग जाता है। एक दो दुकान में इसने कपड़े भी चुराए हैं, गोरेगांव के एक दुकान में इसने मोबाइल भी चुराया है, उसकी तहकीकात चालू है। हमारे ऑफिसर ने उसे इंट्रोगेट किया तो ये पता चला कि गुजरात पुलिस ने उसके खिलाफ 24 गुन्ने घरफोड़ी मतलब HBT के गुन्ने उसके ऊपर दाखिल है और वो बहुत सारे गुन्ने में सजा उसने काटी है। ये जो आरोपी है इसका एजुकेशन है MSc है, लेकिन उसने इसका जो पढ़ाई है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। इसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा था, इसके पिताजी टीचर है, टीचर रह चुके हैं गाँव में। ये शादी करके अहमदाबाद में अपनी बीबी के साथ रहता है। जब भी पुलिस ने इसे ताबे में लिया तो उसके पास जो घरघोड़ी के हथियार रहते हैं, स्क्रू ड्राइवर है, कटावनी है या कटर्स है, ये सभी चीज़ें मिली इसके ताबे में। और जो बाइक उसके पास मिली तो वो भी बाइक चोरी की थी, तो बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।